अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज बहुत दिनों के बाद मैं एक वीडियो पोस्ट कर रही हूँ, तो इसमें मैं क्या बना रही हूँ चलिए देखते हैं वीडियो में। तो सबसे पहले मैंने एक ब्रेड लिया है, मतलब बहुत सारे ब्रेड लेने हैं जितना आपको खाने उतने, एंड उनके कॉर्नर्स को आप ऐसे ट्रिम कर दीजिए। फिर उसके बाद बीच में से स्प्लिट करना है ब्रेड को, एंड इसको एक रोलिंग पिन बेलन की हेल्प से अच्छे से फ्लैटन कर लेना है। जब ब्रेड फ्लैटन हो जाएंगे तो हम इसमें अप्लाई करेंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस या फिर आप केचप भी अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे अप्लाई करके अच्छे से इनको स्प्रेड कर दीजिए स्पून की हेल्प से या स्पैचुला की हेल्प से। अब हमें लेनी है चीज़ स्लाइस। चीज़ स्लाइस को एकदम थिन पीसेस में हम कट करेंगे इस तरीके से और ब्रेड के ऊपर से प्लेस कर देंगे। इसके बाद जो इसका मेन इंग्रेडिएंट है वो है बची हुई सब्ज़ी। आप कोई भी आलू की सब्ज़ी या फिर चिकन का, लाइक मेरे घर में चिकन का कीमा बचा हुआ था, मैंने इसको रीयूज़ किया है। अच्छे से आप इनको थोड़ा थोड़ा प्लेस कर दें और फिर इसको इस तरीके से रोल करें, एंड येस दे आर डन। अब इस तरीके से आपको जितने भी रोल्स बनाने हैं ना, बिल्कुल सेम यही प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को आप यूज़ करके जितने आपको मन चाहे उतने बना दें। एंड देन उसके बाद इसमें ऐसे टूथपिक, ताकि खुले ना, टूथपिक में इस तरीके से इंसर्ट करके आप वन रोल या टू रोल जितने भी आप चाहें इंसर्ट करके रख सकते हैं। मैंने टू करे हैं, ये देखिए सारे बन चुके हैं यहाँ पर। अब इसके ऊपर मैं रख रही हूँ फिर से स्लाइस, पतली पतली स्लाइस में चीज़ स्लाइस, ताकि ऊपर से भी चीज़ी इफेक्ट आए और अंदर से भी चीज़ी सा इफेक्ट आए। लास्ट में इसमें मैं स्प्रिंकल करूँगी ओरिगैनो, एंड आप चिली फ्लेक्स भी कर सकते हैं, लेकिन मेरी सब्ज़ी ऑलरेडी स्पाइसी थी एंड मेरे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस में भी हल्का सा स्पाइसनेस होती है, तो मैं चिली। एंड फाइनली बारी आती है इनको हल्का हल्का सा सेकने की, तो आप किसी भी पैन में बटर या फिर घी से इसको ग्रीस करें, बहुत ज़्यादा नहीं लगाना है, सिर्फ हल्का सा ग्रीस करना है। एंड देन इन सारे पीसेस को आप इस तरीके से प्लेस कर दें पैन में। इसको कवर अप करके आप 5 to 10 मिनट्स के लिए एकदम लो फ्लेम पर छोड़ दें। चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी और ये नीचे से हल्के से क्रिस्पी और गोल्डन भी हो जाएंगे। एंड फाइनली बनके रेडी हो चुके हैं ये रोल्स। आप इसको गरम गरम इन्जॉय करें, बहुत ही टेस्टी बने थे। कमेंट बताना आपको कैसे लगे। ओके बाय, सब्सक्राइब, अल्लाह हाफिज़।